हेलो प्यारे बच्चों, मैं कर्मवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। चार क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर पाँच लिख के आए हम, देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इनको। क्या दिया हुआ है? वी हैव क्या है बच्चों? टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई, क्लियर? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपको। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखवा देना चाहूँगा। क्या था? टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा। एक ये फॉर्मूला होता है, वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। एक फॉर्मूला होता है क्या? टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। ये होता है वन माइनस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप टेन इनवर्स, ऊपर से देखिए कोस कॉमन लीजिए, क्या आएगा? कोस कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ से वन आ गया, ठीक है। कोस से कोस डिवाइड करेंगे कितना आएगा? वन। और साइन से कोस डिवाइड करेंगे कितना आएगा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है भाई, इसी प्रकार नीचे से भी हम क्या लेंगे? कॉमन कोस एक्स, यहाँ कितना आएगा? वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है भाई, इस कोस से ये कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों देखना है, टेन इनवर्स क्या बच गया बच्चों? वन माइनस टेन एक्स, और यहाँ बचेगा वन प्लस टेन एक्स। तो ये फॉर्मूला आपका इससे मिलता हुआ लग रहा है आपको, है ना? एक्स की जगह थीटा लगा दे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया। अब ये रिजल्ट लगाइए, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू आंसर कितना होता है एक्स। इसी प्रकार से इनवर्स रेशियो लगने के बाद में क्या आंसर आ जाएगा? पाई बाई फोर माइनस एक्स। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर छः पे आइए। क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। वी हैव टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्केयर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में, आपको ये देखने को मिले ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो क्या पुट करना है? या तो एक्स को क्या पुट करेंगे? ए साइन थीटा पुट करेंगे, या फिर क्या पुट करेंगे? एक्स को ए कॉस थीटा पुट करेंगे। तो मैं इसको इससे करना चाह रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन ए बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नाउ करके हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। क्या आएगा? टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन नीचे ए स्केयर माइनस ए साइन थीटा इसका स्क्वायर। क्या आएगा? टेन इनवर्स, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा? ए साइन थीटा, अंदर क्या कॉमन आ जाएगा आपका? ए स्केयर, वन माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है भाई, आपको छोटी क्लास में मतलब 10वीं क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाती थी, क्योंकि ये उधर जाएगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या आया, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और नीचे क्या है रूट के अंदर ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, और नीचे देखिए ए के ऊपर ए स्क्वायर पे रूट है, कॉस स्क्वायर पे रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके ना। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे आएगा ए कॉस थीटा, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, अब ये रिजल्ट लगा दो आप, कौन सा, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट को इस्तेमाल कर दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, देखो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ से क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 3a² माइनस 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन क्या है, ए क्यूब माइनस 3ax². ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका देखिए यहाँ पर इस प्रकार का अगर दिया हुआ हो तो एक एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो किसका है, टेन थ्री थीटा। ठीक है, क्या है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन क्या होता है, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा, देखिए बन जाएगा ये फॉर्मूला, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax². ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3a² बारिश आ चुकी है बच्चों, 3a² एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, a tan थीटा माइनस a tan थीटा इसका क्यूब, नीचे a क्यूब तो ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस 3a यहाँ a tan थीटा का स्क्वायर। अब बच्चों बता दो मुझे क्या बचेगा, टेन इनवर्स यहाँ अंदर क्या बन जाएगा, 3a³ टेन थीटा माइनस a³ टेन क्यूब थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, a³ माइनस 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ से एक बात देखो, टेन इनवर्स ऊपर से ए क्यूब को मना रहा है, क्या आएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, नीचे से फिर ए क्यूब को मन ले लो, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों बताओ, टेन इनवर्स ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब ये रिजल्ट लगा दो, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये आंसर कितना आएगा, थ्री थीटा। फर्स्ट को इस्तेमाल कर दो, थ्री इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, क्या आएगा, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय प्यारे बच्चों।